कितना अच्छा होगा अगर YouTube अपना जो क्रिएटर्स हैं सबकी आईडी को एक यूनिक आईडी बना दे। जैसे कि आप कहीं भी Instagram वगैरह पे सर्च करते हैं, जैसे किसी भी मेरी हाज नागरा की, हाज नागरा जैसे सर्च करते हैं तो उसमें हाज नागरा के नाम से जितनी भी आईडीज होंगी ओरिजिनल फेक या जितनी भी होंगी सारी एक से एक आ जाएगी। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक हैंडल कर रहा होता है जो कि एट द रेट करके आपको जैसे आईडी पे ट्विटर पे भी आ गया वो चीज़ होती है। ऐसा ही यूट्यूब अपनी एक अपडेट ले गया है जो कि सुबह मुझे ईमेल आ गई जिसके बारे में आज जो रिलेटेड वीडियो बनाई है वो लेके आया हूँ। क्या अपडेट है, कब आई मेरे पास और कब तक ये लॉन्च होगी, और यही वीडियो आज इसमें बताऊँगा आपको क्या है, वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें आपको पूरी अपडेट के मैं हमारे क्लियर बताता हूँ क्या अपडेट है और कब लागू होगी और किस किस के लिए, किन क्रिएटर के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए नुकसान है। लगभग नुकसान तो किसी के लिए नहीं लेकिन फ़ायदा इसका ज़रूर होगा, और सो लेकर चलता हूँ आपको अपडेट की। तो यहाँ भी ऊपर आप देख सकते हैं कि एक अपडेट जो कि ईमेल में मुझे यूट्यूब ने भेजी है सुबह, मेरे पास अपडेट आई है कि इसमें एक अपडेट जो है हैंडल के नाम से इन्होंने दे रहे हैं, जिसमें कि पहले आपका क्या होता था कि जो आपकी YouTube आईडी थी उसके नाम से कई लोग जैसे बना ले आईडी, उसमें आपकी आईडी तो आएगी, उसमें फेक आईडीज भी आ जाएंगे। लेकिन इससे अलावा एक और चीज़ थी, पहले URL आप सभी को पता है कस्टम URL जो होता था उसके लिए एक क्रिएटर होता था, जो कि जैसे मेरा टेक्निकल नागरा है, मैं अपना URL अपने टेक्निकल नागरा के नाम से चेंज कर सकता था। वहाँ पे URL और उसका क्रिएटेरिया था कि आपको 100 सब्सक्राइबर चाहिए थे। वहाँ पे इन्होंने कर दिया कि आपका नया ही चैनल बनाया तो भी आप वो क्रिएट अपना URL चेंज कर सकते हैं। ये भी इन्होंने ये चीज़ बहुत बेस्ट हो जाए, और इसमें एक डेट का ऑप्शन दिया है अप्रॉक्स 14 नवंबर के करीब ये वो लॉन्च करेंगे उस अपडेट को। जब भी ये हो जाएगी मैं आपको ज़रूर कंसर्न करूँगा और ये भी बताऊँगा कैसे अपना URL चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे URL की बात कर रहे हैं तो मैं अगर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अभी इसी के टाइम, तो जो सिस्टम अपडेट हो रहा है उस वजह से किसी का भी कस्टम URL चेंज नहीं होगा, भले कोई भी क्रिएटर हो या और करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो सिस्टम अपडेट हो रहा है। जब ये अपडेट हो जाएगा तब खुद ही यूट्यूब अपना आपको ऑप्शन दे देगा कि कस्टम URL बना लीजिए, या खुद ही वो आपके नाम से वहाँ पर चेंज कर देगा। और वहाँ पर ये होगा कि जैसे पहले आपका इंस्टाग्राम आईडी में जैसे @ टेक्निकल नागरा हो गया, तो यहाँ भी @ करके आपका youtube.com/@ टेक्निकल नागरा 2M के नाम से ऐसे करके ये जो आपकी URL बन जाएगी, जो जहाँ पे भी मर्जी आप टैग कर सकते हैं या अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि वो चीज़ यूनिक होगी, जैसे मेरा टेक्निकल नागरा है तो ये एक यूनिक हो जाएगा, ये नहीं है कि जो फेक चैनल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो ओरिजिनल चीज़ होगी सबसे ऊपर ही आएगी। ये भी एक इसमें बहुत ही बेस्ट पार्ट है इस अपडेट का, और ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट होगा कि जिसमें आपका स्पैम या कैसे भी चैनल से जो फ्रॉडबाजी हो रही है वो भी बहुत कम हो जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि आपके जब भी आप ट्विटर पे या कहीं सर्च करते हो किसी नाम से तो वहाँ पे सारे चैनल फेक से लेके जो भी सबसे ऊपर आपका ओरिजिनल वो भी आ जाएगा। तो इससे आदमी को ये लगता रहेगा, क्योंकि कई बार आपने देखा कभी सॉन्ग आपने सर्च किया पुराना काफ़ी हो जाए तो उसके नाम से चैनल कई ऐसे आ जाते हैं, ओरिजिनल भले नीचे हो लेकिन फेक सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि व्यूज़ की वजह से कई बार आ जाता। लेकिन जब ये अपडेट के बाद ये जो ओरिजिनल जो सॉन्ग होगा सबसे वीडियो ऊपर ही आएगी, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा, मतलब ओरिजिनल फेक में भी आदमी को फर्क पता लगता रहेगा। और ये बहुत ही अच्छी अपडेट एक हिसाब से लेके आएगा नए क्रिएटर और पुराने क्रिएटर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि उन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता, और जो आपका कस्टम URL होगा वो भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो आप अपना बना सकते हैं या चैनल YouTube आपको बना के दे देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे @ क्रिएटर हैंडल ये जैसे आ गया, इस हिसाब से आपका चैनल के नाम से भी जो आपका जो हो जाएगा आईडी, जो मेन आईडी मतलब कि आपकी रियल आईडी उस हिसाब से हो जाएगी। और शॉर्ट्स में देख लीजिए यहाँ पे भी @ क्रिएटर हैंडल ऐसे मेरा @ टेक्निकल नागरा 2M हो जाए, चैनल ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी बहुत ही बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि ये बहुत ही अच्छी होने वाली है हमारे न्यू क्रिएटर्स के लिए खासकर। लास्ट में एक और चीज़ मैं जो बहुत ही खास है कि अगर आप कभी चैनल बनाते हैं, बल्कि ये अपडेट आ जाएगी तो 100 सब्सक्राइबर आपको पहली बार तो वेट नहीं करना पड़ेगा, और जब भी चैनल बनाते हैं तो आप एक यूनिक आईडी, यूनिक URL सब कुछ यूनिक लेके चलें, तो ताकि आपके कभी आगे चैनल में या कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत ही अच्छी खबर है यूट्यूब की जो इतनी अच्छी अच्छी अपडेट्स ला रहा है। और जब भी अपडेट आ जाएगी मैं कंसर्न कर लूँगा आपको, और URL कैसे चेंज करेंगे और
क्या है इसका हैंडल का जो नाम दिया है इन्होंने हैंडल यूट्यूब के रिलेटेड वो क्या है और कैसे क्या होगा, मतलब कि नए क्रिएटर्स को प्रॉब्लम ना हो कैसे समझना, इसको पूरी वीडियो इसके लिए भी लेके आऊँगा। खासकर यही आज की वीडियो थी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी तो मैंने आप तो को बता दी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ और नई कोई एप्लीकेशन या नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ।